दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा कोहली को अच्छा बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों न्यूजीलैंड को बड़े अंतर से जितवाकर पाकिस्तान को करवाया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर, तो खुद रो पड़े कुशल मेंडिस श्रीलंका के कप्तान ने। भारत के लिए जो कहा वो सुनकर पूरा देश कर रहा है सलाम। आखिर बड़ा खुलासा करते हुए क्या बोले मेंडिस वो तो वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, कुशल मेंडिस और केन विलियमसन में से कौन अच्छा कप्तान है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप का 41वां मुकाबला यादगार रहा, क्योंकि दोस्तों इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने जैसे ही 5 विकेट से जीत हासिल की, वैसे ही दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम अब वर्ल्ड कप से लगभग बाहर हो चुकी है। जी हां दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि 3 टीम टॉप 4 की श्रेणी में शुमार होने के लिए यहां प्रबल दावेदार मानी जा रही थी इस मुकाबले से पहले। एक तो थी न्यूजीलैंड की टीम, एक थी पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। हालांकि अफगानिस्तान का तो नेट रन रेट माइनस में जा चुका है, तो वो तो वैसे भी क्वालिफाई कर नहीं पाएंगे, लेकिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच घमासान टक्कर देखने के लिए मिल रही थी। और यहां पर पूरा पाकिस्तान यही दुआ कर रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका से हार जाए, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने तो उल्टा श्रीलंका को इतने बड़े अंतर से हरा दिया कि यहां पर पाकिस्तान की टीम का अब सेमीफाइनल में पहुंचने का सफर शायद समाप्त सा ही हो चुका है। अब पाकिस्तान की टीम को इंग्लैंड के खिलाफ किसी भी हाल में मुकाबला जीतना होगा, वो भी 250+ रन से, तभी वो न्यूजीलैंड को टक्कर दे पाएगी। और ऐसा करना काफी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और दोस्तों इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए थे, और न्यूजीलैंड की टीम ने इस लक्ष्य को मात्र 23.2 ओवर में ही हासिल कर लिया। और इस दौरान मैच के सबसे बड़े हीरो रहे ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने श्रीलंका को 171 रन पर ही रोक दिया। हालांकि दोस्तों अब इतनी बड़ी हार वर्ल्ड कप में मिलने के बाद खुद कुशल मेंडिस ने ऐसा होश उड़ा देने वाला खुलासा करके हर किसी को हैरान कर दिया है। जी हां दोस्तों, यहां पर कुशल मेंडिस बताते हैं कि अगर मैं सच कहूं तो हम खुद दिल से चाहते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाए, ना कि पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान टीम हमेशा बेईमानी करती है, और वैसे भी पाकिस्तान की टीम ने इस वर्ल्ड कप में इतना भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है कि वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल डिजर्व करती है। उनसे अच्छा तो खेल न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने दिखाया है। उनके कप्तान केन विलियमसन से पाकिस्तान को कुछ सीखना चाहिए, और कभी भी दूसरी टीम के भरोसे पर ही रहकर ये हमेशा सेमीफाइनल नहीं खेल सकते। इसीलिए हम सभी 11 खिलाड़ियों ने मिलकर आज डिसाइड कर लिया था कि न्यूजीलैंड की टीम को इतने बड़े अंतर से आज जीत देनी है कि पाकिस्तान की टीम कभी सोच भी ना पाए उतना नेट रन रेट बढ़ाने के लिए भी। इसलिए हम सभी 11 खिलाड़ी आज प्लानिंग करके ही मैदान पर उतरे थे, और हम न्यूजीलैंड के खिलाफ जल्दी आउट हुए ताकि हम न्यूजीलैंड को एक बड़ी जीत दे सकें, और जानबूझकर यह मुकाबला हम हारे हैं। तो दोस्तों कुशल मेंडिस ने ऐसा होश उड़ा देने वाला खुलासा करके हर किसी को हैरान कर दिया है। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि कुशल मेंडिस ने जो कहा है वो सही है या फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।